हमारा कमाया हुआ होता है एक शादी के अंदर हम लोग खर्च कर देते हैं। शादी में हमारा सोचने का कोई मकसद ही नहीं। हमें अगर तालीम जिंदगी के अंदर होगी तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में कामयाबी होगी। आज देखें हम कितना ही बड़ा कारोबार कर लें, लेकिन सारा का सारा पैसा शादी ब्याह के अंदर ही सीमित है। अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी काबिलियत दी है कि अगर हम चाहें तो अपने हर फैमिली के अंदर से MBBS के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सीटें निकलती हैं वो तकरीबन 65,000-60,000 सरकारी सीटें निकलती हैं। ठीक है, उसमें बच्चा गेनून बच्चा होता है वो जाता है आगे, लेकिन अगर हम 50-60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए बच्चे की तालीम में लगा दें जो हम एक शादी के अंदर खर्च कर देते हैं, जब वो बच्चा निकल के आएगा तो इंशाअल्लाह वो 60-70 लाख रुपए उसके एक साल के भी नहीं होंगे। हम इस पर अपना तालीम का ध्यान रखें, हमारे घरों के अंदर वकील होंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, टीचर होंगे तो हमें आसानी होगी कि हाँ भाई हमारा बच्चा आगे कहाँ जाएगा। यकीन मानना हमारी कौम के अंदर जब 10वीं पास बच्चा करता है उसे ये पता नहीं होता मैं आर्ट साइड लूँ या कॉमर्स साइड लूँ या साइंस साइड लूँ, पता ही नहीं उसे। बस बाप कहता है अभी आगे क्या करेगा, आज ही मेरा दाखिला करा दो। उन्हें पता ही नहीं आर्ट साइड क्या है, साइंस साइड के अंदर कौन से रास्ते मिलते हैं। ये 3 रास्ते होते हैं बच्चे की तालीम के लिए। आर्ट साइड का एक अलग रास्ता जाता है, कॉमर्स का एक अलग जाता है और साइंस साइड का अलग जाता है। अगर हमारे अंदर इस चीज की समझ होगी तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाने का मादा रखेंगे। लेकिन कसम खुदा की सिर्फ शादियां ये लाल खत में कितना खर्च हो जाए, कार कितना कीमती हो जाए, दशहरी में कितना पैसा लग जाए। ओहो, जिस उस बेटी के हाल से पूछो उसके बाप से जब वो प्रोग्राम करता है 2,000 का 3,000 का, हमने देखा है इस ब्रादर के अंदर कि उसके अंदर बेटी की शादी कर रहा है लेकिन बेचैन है दिल के अंदर। कोई कह रहा है 50 किलो गोश्त खा, कोई कह रहा नहीं 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 200 किलो खा रख, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। पता नहीं इस ब्रादर का कुछ नहीं पता, सबसे ज्यादा गोश्त एक आदमी पे 1 किलो लग रहा है, 3,000 आदमियों का प्रोग्राम है तो 3,000 किलो गोश्त लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किधर जा रहा है। भाई देखो दोस्तों, आज अल्लाह ने पता नहीं किसकी दिल से ये बात निकली, कहाँ ये फिक्र हुई कि कौम के अंदर जागृति ज्यादा की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात चली ठीक है। सबसे ज्यादा बिगाड़ में किसी पर टोन नहीं कस रहा, सबसे ज्यादा बिगाड़ बाकी यकीन बातें है तो जिला मेरठ के अंदर ही आता है। सबसे ज्यादा बढ़िया शादी है, सबसे ज्यादा वही करते हैं तो सभी, लेकिन वहां से ही ये बात शुरुआत हुई है, अच्छाई की शुरुआत हुई है। तब पर कोई अगर हमारा कोई दुश्मन भी अगर अच्छाई की बात कर रहा है तो उसकी बात को पकड़ना चाहिए। मेरी तो अपील है ये सुधार के लिए बात आई है। देखो पहले कार्ड छपते थे, लोग कार्ड बांटने घर घर जाते थे, आज फोन पे हर कोई मान रहा है, कोई भी बुरा नहीं मान रहा किसी भी बात का। इंशाल्लाह आज ये पहल हुई है वीडियो कैमरा, सबसे पहले वो वीडियो कैमरा वाला बहू के कमरे में घुस जाता है, उसको इसके लिए निकाह हो रहा वो नहीं देख रहा, सबसे पहले वो देख रहा है मुंह ऐसा करो और बगल इधर उठाओ, इधर को मुंह करो, इधर को ये करो, बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई निकाह के अंदर उन लोगों को यही नहीं पता कि अंदर महरम जाना चाहिए ना महरम जाना चाहिए, तो बुराई बिगाड़ है तो कहाँ समझ में आए। सबसे पहले तो वीडियो कैमरा वाले को रोको, ठीक है आपको कुछ जरूरत है वीडियो कैमरा बनाने की तो वहां तक मत भेजो। ये भाई पढ़ने की बात है, बेटी को 18 साल 20 साल अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है ना, वो एक अमानत दी है, उस अमानत के अंदर अगर तुम ख्यानत करोगे तो तुम्हारी पकड़ आकर में होगी, ये बात पक्की है। तो मेरा तो सिर्फ मोदी यही है, ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, बात सिर्फ मेरे दोस्तों यही है कि ये विवाद कैसे खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के अंदर ये जमनाबाद के अंदर जाफराबाद एक सूबा ऐसा जिसमें सारे इलाके आते हैं, जमना बिहार से लेकर सुनमपुर तक, अल्लाह ने इसके अंदर तालीम बच्चे भी बोलते हैं और पढ़े लिखे भी लोग हैं, अलीगढ़ की आबादी भी ज्यादा है और जिला मेरठ की भी आबादी ज्यादा है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी तरफ पूरी दिल्ली देख रही है इस सुनमपुर विधानसभा की तरफ, और आप अल्हम्दुलिल्लाह आए पूरे जमनाबाद से लेकर सुनमपुर तक, तो एक फिक्र लेकर आए, वो फिक्र सिर्फ यही है कि शादी ब्याह के अंदर बचाकर हम अपने बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स कैसे कराने वाले बन जाए। देखो आज तो कोई भी अगर बच्चा इंजीनियर बनना है ना तो 10 से 20 लाख रुपए कम से कम लगते हैं उसके अंदर, लेकिन हमने क्या कर लिया कि नहीं कवाड़े की वेली पर जाया जल्दी के अंदर कमा के अपना तेरी शादी कर देंगे। भाइयों इस शादी की जरूरत से निकलो, शादी है ना,